मोमेंट ऑफ नशिया में हमने पहला क्वेश्चन कर लिया था लास्ट टाइम लेक्चर में, दूसरा भी कर लिया था हमने, तीसरा क्वेश्चन अभी करना नहीं है क्योंकि काइनेटिक एनर्जी हमने की नहीं, चौथा हमने कर लिया था कि अगर डेंसिटी ए की बड़ी है बी से तो मोमेंट इनर्शिया ए का छोटा हो जाएगा क्योंकि मोमेंट इनर्शिया वाज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी डेंसिटी, लास्ट टाइम रिजल्ट हमने याद किया था। ये क्वेश्चन हमने किया हुआ है चार स्फीयर्स वाला, ये लास्ट टाइम हमने कर लिया था, हमने यहाँ से शुरू करना था, मुझे याद आ रहा है मैंने रेक्टेंगुलर लैमिना का जाते हुए फॉर्मूला करवाया था कि अगर रेक्टेंगुलर लैमिना है सच दैट लेंथ ए और ब्रेथ बी है और अगर एक्सिस सेंटर से पास कर रहे तो आई का फॉर्मूला क्या लिखवाया था, एम बाई ट्वेल्व ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्या पॉइंट क्लियर है? पर इस क्वेश्चन में वो कह रहा है कि मुझे इस एक्सिस पे आई निकालना ही नहीं है, वो तो आपने फॉर्मूला याद कर लिया, मेरे को इस एक्सिस पे निकालना है इसके पैरेलल एक्सिस, तो क्या लगेगी थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, तो मेरे को इन दोनों के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। अगर ये लेंथ ए है तो आधी कितनी है ए बाई टू, अगर ये बी है तो आधी कितनी है बी बाई टू, तो दोनों एक्सिस में पाइथागोरस लग जाएगा b बाई टू ए बाई टू, तो अंडर रूट ऑफ a बाई टू का स्क्वायर और b बाई टू का स्क्वायर डिस्टेंस आ गया। थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस लगा लो, इस एक्सिस में जो i बनेगा वो इस एक्सिस का तो बनेगा ही बनेगा प्लस मास इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर भी बनेगा। आंसर थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस लगा लो ना, इसका तो पता ही है और इसका यहां पे जाने के लिए m इनटू डिस्टेंस स्क्वायर को क्या कर देना, बीच में ऐड कर देना है। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? ठीक, ये हमने किया हुआ है, आई बाई आई वन बाई आई टू इज इक्वल टू रो टू बाई रो वन, डेंसिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ये एक नया क्वेश्चन है, डायमीटर ऑफ अ फ्लाई व्हील इंक्रीज बाय 1%, तो परसेंटेज चेंज कैसे लिखते थे, एरर्स याद है, डेल्टा डी बाई डी इंटू 100, तो जो परसेंटेज चेंज डायमीटर का होगा वही किसका होगा, रेडियस का होगा। आपको बताना है आई में कितना परसेंटेज चेंज आएगा, तो जो फ्लाई व्हील होता है वो रिंग होती है, याद रखना रिंग का आई क्या होता है, एम आर स्क्वायर। सीधा एरर का रूल लगा दो, याद है एरर्स का रूल, डेल्टा आई बाय आई, मास कांस्टेंट है 2 इनटू डेल्टा आर बाय आर, रूल लगा दिया 100 से दोनों साइड्स को मल्टीप्लाई। आपको ये 1% गिवन है तो आई में परसेंटेज चेंज क्या आएगा, 2 into 1 2%, कोई डाउट इसमें? पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक कि परसेंटेज चेंज कैसे निकलेंगे? जैसे ये क्वेश्चन है, एक डिस्क है, ये डिस्क देख रहे हो, डिस्क का एक्सिस ओ है, ये बताओ अगर डिस्क के अंदर से यहां एक्सिस जा रहा है तो डिस्क का आई क्या होगा, हाफ एम आर स्क्वायर, पर मेरे को ओ डैश के अबाउट आई निकालना है, तो क्या लगेगी, थ्योरम ऑफ पैरेलल, क्योंकि एक्सिस मेरे को ये पता है मुझे ये निकालना है, तो दोनों एक्सिस पैरेलल है तो कितनी दूरी है दोनों में, ए, तो इसके अबाउट जो आई आएगा 1/2 एम आर स्क्वायर, उसमें क्या ऐड करना है, एम ए स्क्वायर। आंसर थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस ऐड कर दो। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? इसकी फिगर मिसिंग है पर मैंने बना दी, एक बार चेक करो कैसे करना है। मंडे को कोलिजन का टेस्ट होगा, पक्का होगा, मैं अभी मैसेज ड्रॉप कर देता हूँ ताकि अब ये ना कोई मैसेज नहीं आया, ठीक है। और संडे को वर्क पार एनर्जी का ऑब्जेक्टिव होगा, आपको ख़त्म तो करना ही है उसे भी, वर्क पार का ऑब्जेक्टिव है ऑनलाइन, ऑनलाइन है, मंडे को तो यहाँ क्लास में कोलिजन है ही है, और वेडनेसडे को पक्का सेंटर ऑफ मास होगा, कोई इसमें वो नहीं है। संडे भी मिल गया आपको पढ़ने के लिए, सब कुछ मिल गया, अभी इससे डिले हो नहीं सकता, फिर ये भी करना है ना, आगे दिक्कत होएगी। तो इसमें क्या किया, दो स्फेयर्स हैं और बीच में एक रॉड है, आपको आई निकालना है कोई एक्सिस जो स्फेयर में से पास कर रहा है, तो आंसर देखो क्या क्या लिखेंगे इसमें, अगर कोई एक्सिस स्फेयर में से पास कर रहा है तो स्फेयर का कंट्रीब्यूशन क्या है, 2/5 एम इनटू इसका रेडियस का स्क्वायर, इसका रेडियस आर बाई टू है। फिर रॉड से पूछें, रॉड के लिए एक्सिस टेंजेंट है और रॉड का टेंजेंट के अबाउट आई क्या होता है, एम स्क्वायर बाई थ्री, अब यहाँ पर लेंथ एल नहीं है, यहाँ पर लेंथ 2r है, तो एम इनटू एल स्क्वायर बाई थ्री। फिर इस स्फीयर से पूछें, अब ये जो स्फीयर है वो ये कहता है कि क्योंकि एक्सिस ये है
अगर आप एक्सिस मेरे अंदर से पास करते हो तो मेरा आंसर क्या होगा, 2/5 इंटू एम इंटू आर बाई टू का होल स्क्वायर, पर एक्सिस शिफ्ट करना पड़ेगा बाय थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। तो जो भी इसका स्फेयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया था इतना था, ये तो होगा ही होगा, प्लस मास इंटू डिस्टेंस स्क्वायर, और इसमें क्या कर देना है, ऐड कर देना है। समझ में आ रहा है यहाँ तक? तो पहले अकेले स्फेयर का निकाल लो, ये पहले अकेले स्फेयर का निकाल लिया, ये रॉड का निकाल लिया, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस से इस स्फेयर के एक्सिस को इसके ऊपर क्या कर लिया, शिफ्ट कर लिया। हो जाएगा क्वेश्चन सॉल्व? स्फेयर है वो, रॉड नहीं है, 2/5 mr² होगा। ये क्वेश्चन रिपीट है, कर लिया। एच वाला क्वेश्चन हमने ऑलरेडी किया हुआ है। ट्वेंटी एट का पहला क्वेश्चन पढ़ना। देखो तीन पार्टिकल्स हैं, ध्यान आगे, तीन पार्टिकल्स हैं 2 kg के, तो m1 m2 m3 गिवन। एक की एक कहां पर लाई कर रहा है, नेगेटिव x एक्सिस, एक नेगेटिव y एक्सिस, एक पॉजिटिव z एक्सिस, एट अ डिस्टेंस ऑफ 2, 3 और 1। तो 2 नेगेटिव x एक्सिस, तो 2 के आगे माइनस i कैप, 3 मीटर नेगेटिव y एक्सिस पीछे माइनस j कैप, और 1 मीटर k कैप। तो आपके पास ये वैल्यूज आ गई। सेंटर ऑफ मास की पोजीशन वेक्टर कैसे निकलेगा, m1 r1 m2 r2 m3 r3 करके निकाल लोगे, r1 r2 r3 वेक्टर पुट करोगे, ये आ गया। पर आंसर ijk में है ही नहीं, आंसर मैग्नीट्यूड में है। तो वेक्टर का रूल लगाओ, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, i के कोफिशिएंट का स्क्वायर, j के कोफिशिएंट का स्क्वायर और k के कोफिशिएंट का स्क्वायर आंसर। मेथड समझ में आ रहा है, पहले पोजीशन वेक्टर निकलेगा, फिर वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकलेगा, एक स्टेप एक्स्ट्रा। क्लियर है यहां तक? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 नहीं करना, गायरेशन का क्वेश्चन भी टॉपिक किया नहीं हमने। थर्ड इजी है, रिंग का आई पूछ रहे, एम आर स्क्वायर होता है, ये हमने लास्ट टाइम कर लिया। एक रिंग के टेंजेंट में आई कैसे निकलता है, हमने ऑलरेडी किया हुआ है। फिफ्थ क्वेश्चन, डिस्क का डायमीटर में आई पूछ रहा है, 1/4 एम आर स्क्वायर, फॉर्मूला बेस्ड है। सिक्स क्वेश्चन, अ यूनिफॉर्म सिलेंडर हैविंग रेडियस आर और लेंथ एल, क्या कह रहे हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिलेंडर अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट सेंटर एंड नॉर्मल टू द सर्कुलर फेस, सर्कुलर फेस यहां से इसके नॉर्मल एक्सिस घूमेगा तो सिलेंडर ऐसे जाएगा, एक्सिस ये रहा। एक मोमेंटेशन निकाल लोगे, 1/2 mr² सिलेंडर का होता है,
इज इक्वल टू इज सेम जब ये सिलेंडर कैसे पास करेगा, जब ये ऐसे घूमेगा, जब एक्सिस इसके परपेंडिकुलर होगा। हमने सिलेंडर के दो फॉर्मूलाज किए थे, ऐसे घूमेगा तो ये फॉर्मूला, ऐसे घूमेगा तो ये फॉर्मूला। कह रहे हैं दोनों में आंसर सेम आ रहा है, आर और एल का रिलेशन निकाल दो, सॉल्व कर लेना, आर एल का रिलेशन आ जाए तो दोनों के आई की फॉर्मूले को क्या कर देना है, इक्वेट। तो समझ में आ रहा है, यहां तक दो बार आई पूछा, एक्सिस चेंज कर करके दोनों को इक्वेट कर दिया। तीन पॉइंट मासेस हैं, पॉइंट मास है, स्फीयर नहीं है, एम एम और एम, और ये पड़े हुए इक्विलेटरल ट्रायंगल पे, 60 डिग्री ट्रायंगल है। कह रहे आई निकाल लो अबाउट एन एक्सिस अलोंग वन साइड ऑफ द ट्रायंगल, कोई भी एक साइड ले लिया, इसके अबाउट आई निकाल लो। ये एम पॉइंट मास इस एक्सिस पे लाई करता है तो इसका कॉन्ट्रीब्यूशन क्या, जीरो। ये मास भी एक्सिस पे लाई करता है, इसका कॉन्ट्रीब्यूशन भी क्या, जीरो। इस मास का अगर आई निकालना है तो क्या ढूंढना पड़ेगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो अगर ये एल है, ये 60 है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा, एल साइन 60। तो एम इंटू एल साइन 60 का स्क्वायर आंसर। तो तीनों मासेस पॉइंट मास है, तीनों का निकाल लोगे मोमेंट इनर्शिया, एम आर स्क्वायर एड करके आंसर। समझ में आ रहा है यहां तक, कोई डाउट इसमें? दो रिंग्स हैं, और दो रिंग कैसी हैं, मास सेम है, रेडियस सेम है, आर प्लेस सच दैट सेंटर्स कॉमन पॉइंट पे हैं, सेंटर कॉमन पॉइंट पे है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ वन ऑफ द रिंग। ये रिंग्स कैसे पड़ी हुई हैं, ये रिंग्स ऐसे हैं, एक रिंग ऐसी है तो एक रिंग ऐसी है, एक रिंग का प्लेन ये है तो एक रिंग का प्लेन इसके अंदर है, एक रिंग ऐसे है, एक रिंग ऐसे है, और सेंटर दोनों का सेम है, तो टू रिंग्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो आपने ये एक्सिस लिया, इसके में से पास कर रहा है। अब ये वाला एक्सिस, ये हॉरिजॉन्टल रिंग है, हॉरिजॉन्टल रिंग के बीच में से लाई कर रहा है, तो इस एक्सिस पे आई क्या होगा, एम आर स्क्वायर। लेकिन यही एक्सिस इस रिंग के लिए क्या एक्ट कर रहा है, लाइक ए डायमीटर, तो रिंग के डायमीटर पे आई क्या है, हाफ, ऐड करके टोटल आंसर आ गया। तो जब आप ये सिचुएशन लोगे, एक रिंग ऐसे और एक्सिस बीच में से है तो एम आर स्क्वायर, और दूसरी रिंग ऐसे तो ये जो डायमीटर, ये जो एक्सिस है वो इस रिंग के लिए डायमीटर है। ये पॉइंट समझ में आ रहा है, एक रिंग ऐसी है, एक एक करके, एक रिंग ऐसी है, एक्सिस ये है तो एम आर स्क्वायर, एक रिंग ऐसी है, एक्सिस यही है तो वो एक्सिस इसके लिए क्या कर रहा है, लाइक अ डायमीटर। तो एक बार डायमीटर का कॉन्ट्रीब्यूशन है, एक बार सेंटर का कॉन्ट्रीब्यूशन है, ऐड कर दो आंसर। ठीक है यहां तक? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, दो सर्कुलर डिस्क हैं, हैव मासेस इन द रेशियो 1:2 एंड डायमीटर की रेशियो गिवन है और आई की रेशियो निकालनी है। पहले केस में मास एम है और दूसरे केस में 2m है। पहले केस में रेडियस 2r है और दूसरे केस में r है, और डिस्क का फॉर्मूला तो आता ही है आपको, रेशियो निकाल लेना आंसर, आसान है ये भी। ठीक, नेक्स्ट है, ये आसान है, 11th रेशियो पूछी है, ये कोई क्वेश्चन करना नहीं है, एम के स्क्वायर, ये भी हमने किया नहीं टॉपिक, ये भी नहीं करना, ये भी करना है अभी हमने 14th, जो छुड़वाए हैं वो अगला टॉपिक है बेसिकली।
देखो समझ में आया, एक किताब है, किताब बुक, बुक इज अ रेक्टेंगुलर लेमिना, तो उसके सेंटर से आई निकालना है। फॉर्मूला आपको बता दिया मैंने, एल पता है, बी पता है, बता दिया, बताना सिर्फ ये है इसका स्क्वायर करने मत बैठ जाना। पॉइंट 75 को लिखो 3/4 और पॉइंट 25 को 1/4, अब आंसर जल्दी आएगा थोड़ा सा, बस यही बताना था, बाकी फॉर्मूला तो आता है। परसेंटेज चेंज वाला क्वेश्चन रिपीट है, हो जाएगा।